हेलो डियर, तो वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और जितने भी मेरे डियर हैं फर्स्ट ईयर के, आपको पता है कि मैं चारों सब्जेक्ट का सिलेबस आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। तो अब फाइनली हम लोग जो है कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यानी कुछ ऐसे डिफिनीशन या यूँ कहे परिभाषा या शब्दावली जो भी कह लीजिए ऐसे बताएंगे कुछ जो आपके 4 से 5 वीडियो में आएगा। यानी एक सब्जेक्ट का 4 से 5 छोटा छोटा वीडियो रहेगा जिसमें हम शुरुआत के 4 से 5 वीडियो सभी सब्जेक्ट का जो है सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन और टर्मिनोलॉजी वाला कराने वाले हैं। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप अंदर में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उस लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको अटपटा लगेंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है। तो उसी सारे वर्ड को समझेंगे, क्लियर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर डिफिनीशन में पूछता है तो 5 से 10 नंबर तो यहाँ से आ ही जाएगा। साथ में आपको अंदर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए आज हम चीज़ों को समझते हैं। डिफिनीशन वाला वीडियो है, पूरा 4 से 5 जो वीडियो आएगा हर एक सब्जेक्ट में वह डिफिनीशन का ही रहेगा। छोटा छोटा हम वीडियो इसीलिए पार्ट बाय पार्ट 10 से 15 वीडियो डिफिनीशन एक दिन में करेंगे। 4 से 5 आएगा, लगभग 60 से 70 टर्म या 7 से 70 डिफिनीशन बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। ओके, तो आज है बायोसाइंस का पहला यूनिट, फर्स्ट ईयर में बायोसाइंस का ही है। तो बायोसाइंस में आता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तीनों को साथ में हम लोग डिफिनीशन देखने वाले हैं। बस आपका काम है इसे देखना, समझना और इसे अपने कॉपी में नोट्स बनाना। ये सारे के सारे आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप मोबाइल से नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, या खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो यह सब के सब जो है आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं एक दिन जो है आपको आज वेबसाइट में दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट आप जाकर वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, डेली वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आज के परिभाषा में हम लोग देखने वाले हैं आर्टरी धमनी के बारे में, पेरिकार्डियम जोड़ ज्वाइंट के बारे में, वेन मतलब सिरा के बारे में, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बारे में, एंड आगे देखने वाले हैं मेनिंजिस के बारे में, उसके बाद कैपिलरीज मतलब केशिकाएं के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, सेल के बारे में, सुचर्स के बारे में, ये सारे के बारे में आज हम लोग जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। अब देखिए इसमें माइक्रोबायोलॉजी का कौन है, इम्यूनिटी माइक्रोबायोलॉजी का है, समझ रहे हैं, इम्यूनिटी इसमें क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का है। ओके, और देख लीजिए इसमें और इसमें बस ए इम्यूनिटी ही है जो एक माइक्रोबायोलॉजी से पूछा गया है। ठीक है, बाकी सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, जो जिसका होगा मैं बता दूंगा। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग को था पेरिकार्डियम। देखिए पेरिकार्डियम यह हार्ट का लेयर है, क्या है, हार्ट का लेयर है। अपन हार्ट जो है 3 लेयर में है, एक है सबसे ऊपरी वाला है पेरिकार्डियम, सबसे ऊपरी वाला है पेरिकार्डियम, इसके बीच वाला जो लेयर है हार्ट का वह कहता है मायोकार्डियम, मायो मत एम से मीडियम और एम से मायोकार्डियम। ठीक है, एंड थर्ड वाला है चूँकि अंदर में है इसीलिए इसे इंडोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, इंडोकार्डियम कहा जाता है। ओके, तो ये 3 लेयर है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। पेरिकार्डियम यह 2 परतों के बनी होती है, बाह्य एवं आंतरिक। अब जो हार्ट का बाहरी परत पेरिकार्डियम है यह भी 2 परत से बनी होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, 2 बाहरी लेयर से। बाह्य परत मजबूत लचीले आवरण के ऊपर फाइबरस टिश्यू की बनी होती है। अब पेरिकार्डियम की जो बाहरी परत है यह मजबूत और लचीले आवरण यानी फाइबरस टिश्यू की बनी होती है, तथा अंदर की ओर से यह पतली झिल्ली से जो है यह सिरमी कला की बनी होती है। देखिए बाहर से यह मजबूत लचीले ऊतक फाइबरस टिश्यू से बनी होती है, जबकि अंदर से जो लेयर बना होता है यह पतली झिल्ली या इसी को सिरमी कला सीरियस मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे यह बना होता है। तो चीज़ों को समझ गए। पेरिकार्डियम अपने मजबूत व लचीले गुण के कारण हृदय को अधिक फैलने से रोकती है।
पेरिकार्डियम अपने मजबूत व लचीले गुण के कारण हर्ट को अनावश्यक रूप से या फैलने से रोकती है, क्योंकि अगर हर्ट आपका बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तथा हृदय के आकार को सीमा में ही रखता है, अगर ज़्यादा हर्ट फैल जाएगा तो फिर वह अपना आकार भी खो देगा, फिर पे दिक्कत हो जाएगा। तो इस कारण पेरिकार्डियम मजबूत व लचीले होने के कारण यह हृदय को एक सीमा तक आकार देता है और अधिक फैलने से भी रोकता है। यह हर्ट का क्या है, बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी ऊपरी लेयर है, ठीक है, जो मजबूत और लचीले ऊतकों से बनी होती है और अंदर से सिरमी कला से बनी होती है। बातें को समझ गए। चलिए अब यहाँ पे है, इंग्लिश में है, देख लीजिए। यहाँ पे जिनको इंग्लिश वाले हैं वो अपना इंग्लिश में तैयारी कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपके सामने मैंने बताया कि इट इज मेड ऑफ टू लेयर, आउटर एंड इनर, यह दो लेयरों से बना है। द आउटर लेयर इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबरस टिश्यू एंड फ्रॉम द इनसाइड इन मेड ऑफ थिन मेम्ब्रेन विच इज सीरियस मेम्ब्रेन। मतलब कह रहा है कि आउटर लेयर इज मेड ऑफ, मतलब आउटर लेयर बना है ऑफ स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूती के फाइबरस टिश्यू के मजबूती से बना है। एंड फ्रॉम द इनसाइड, इसके अंदर मेड ऑफ ए थिन मेम्बर, मतलब पतले झिल्ली से, विच इज, जिसे हम लोग सीरियस मेम्बर कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू इट ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सीबल प्रॉपर्टीज द पेरिकार्डियम प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग टू मच एंड कीप द साइज ऑफ हार्ट विद इन लिमिट। मतलब यह एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ने से, और यह साइज को जो है क्या करता है, एक लिमिट, एक सीमा तक रखता है, ठीक है। चलिए अब आ गया है यहाँ पे धमनी के बारे में, आर्टरी, धमनी के बारे में। शरीर की सभी धमनियों की दीवारें लचीले व मजबूत ऊतकों से बनी होती है। ये हृदय से रक्त को कोशिकाएं यानी कैपिलरीज तक पहुँचाती है, ठीक है। देखिए धमनी जो होता है, धमनी, यह धमनी जो है हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर या बॉडी के अन्य पार्टों तक पहुंचाता है, ठीक है। जैसे हार्ट है, ओके, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप होता है महाधमनी में, ओरोटा में, ओरोटा जो है अलग अलग धमनियों में ब्लड को सप्लाई कर देता है, ठीक है। अब ये धमनी जो है क्या करता है, अलग अलग कैपिलरी मतलब कैपिलरीज में ब्लड को पहुँचा देता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी को हर एक टिश्यू, हर एक सेल को जो है आराम से इसी कैपिलरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई हो जाता है। एक कैपिलरीज का जो आकार होता है, केस के का आकार में होता है, एकदम महीन जो है आपके, यह एक प्रकार से कहिए तो यह एक प्रकार से नस ही होता है, ठीक है। एक प्रकार से यह नस ही है जो बहुत महीन होता है। वेन और आर्टरी ये सब तो थोड़ा मोटा मोटा भी होता है, लेकिन कैपिलरीज का आकार बहुत पतला, केस के समान होता है, ठीक है। शरीर के सभी धमनियों की दीवारें लचीले व मजबूत ऊतकों से बनी होती है, ठीक है। मतलब इसमें इलास्टिसिटी गुण भी पाया जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग टिश्यू से भी ये बना होता है। ये हृदय से रक्त को, यह हृदय से मतलब हार्ट से रक्त को कैपिलरीज मतलब कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, ओके। आर्टरीज क्या है, देख लीजिए, आर्टरी, द वाल्स ऑफ ऑल द आर्टरीज ऑफ द बॉडी आर मेड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू, ठीक है। कहता है कि जो आर्टरी का दीवार है वह मजबूती और फ्लेक्सिबल ऊतक से बना है। दे ट्रांसपोर्ट, मतलब जो ले जाता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू सेल, मतलब जो ले जाता है ब्लड हृदय से कोशिकाओं की तरफ, जिसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि कैपिलरीज होता क्या है, अब चीज़ों को समझ लीजिए। सूक्ष्म पतली धमनियों को कोशिकाएं कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं, सूक्ष्म पतली धमनियों को केशिकाएं कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि किस के समान जो है बॉडी में एक नस के टाइप से सूक्ष्म जी पतली नली फैला हुआ है, ठीक है। चूँकि वेन और आर्टरी है, ये तो आपको आराम से दिख जाएगा, दिख जाता है, क्योंकि ये सबका आकार मोटा होता है, सख्त होता है। बट कैपिलरी जो होता है बिल्कुल सूक्ष्म केस के समान जो है नली टाइप से होता है, यह ब्लड को ही सप्लाई करता है। यह इसे एक प्रकार से हम जो है धमनी के नाम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें धमनी का ही ब्लड सप्लाई होता है कैपिलरीज में, ठीक है। इस शरीर के प्रत्येक अंग के ऊतक को कोशिकाओं को पोषण व ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो है यह शुद्ध एवं ऑक्सीजन व पोषण युक्त रक्त पहुंचाने का काम करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैपिलरीज
केशिकाएं एक सूक्ष्म पतली नली है, ठीक है, जो क्या करती है कि धमनी से ब्लड लेकर अन्य कोशिकाओं, बॉडी के अन्य कोशिकाएं, अन्य ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का काम करता है। जो मिलता है आपके शुद्ध ऑक्सीजन या पोषण कहाँ से मिलेगा, रक्त से मिलता है, ठीक है। यानी सीधा कहा जाए कि ये जो केशिकाएं होती है ये आपको ब्लड, शुद्ध ब्लड को बॉडी के अन्य पार्टों तक जो है ले जाता है, ठीक है। जो शुद्ध शुद्ध ब्लड होता है, पोषण वाला ब्लड होता है, ओके। एक कोशिकीय परत के अस्तर की बनी भित्ती होती है तथा बाल की मोटाई से भी पतली होती है। मैंने क्या बोला आपको कि एक कैपिलरीज जो होता है, जो एक प्रकार से नली ही है लेकिन बहुत पतली नली है, ठीक है, इतना पतली है कि यह केस जो हमारा बाल होता है उसके मोटाई से भी पतली नली की होती है, ठीक है, समझ लीजिए। अब एक कोशिकाएँ एक मतलब एक कोशिकीय परत के अस्तर से बनी भित्ति होती है, मतलब यह एक कोशिकीय सेल से बना हुआ अस्तर वाला यह एक भित्ति, एक नली होती है जो बाल के मोटाई से भी कम सूक्ष्म होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई बड़ा फास्ट नहीं है, इजी लैंग्वेज है, देख लीजिए। आगे आता है सीरा। सीरा कहने का तात्पर्य है, देख लीजिए, केशिकाएं कैपिलरीज वेन है, केशिकाएं का अंत व सिराओं का जन्म स्थान ही सिराएं उत्पत्ति स्थल कहलाती है, ठीक है। देखिए केशिकाओं मतलब कैपिलरीज का अंत, मतलब जहाँ पे कैपिलरीज इंड होता है वहाँ से जो है आपके वेन का स्टार्टिंग होता है। नहीं कहता है लोग कि जहाँ से हम तुम स्टार्ट किए हो वहीं से हम शुरू कर देते हैं, तो वही चीज़ें है, जहाँ से केशिकाएँ इंड होता है वहीं से जो है सिराओं का जन्म होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि जो कैपिलरीज होती है, एक कैपिलरीज जो है आपके शुद्ध ब्लड को बॉडी के कोशिकाओं या ऊतकों तक ले जाता है, ठीक है। तो ये वेन क्या होता है, वेन अशुद्ध ब्लड को जो है बॉडी के अन्य पार्टों से जो है आपके हार्ट तक लाता है, ठीक है। तो ये वेन जो है एक केशिकाएं का अंत, सिराओं का जन्म स्थान, सिरकाओं का जन्म स्थान ही सिराओं की उत्पत्ति स्थल कहलाती है, ठीक है। सिराएं आपस में मिलकर ही सिरा बनाती है, विभिन्न सिरिकाएं, ठीक है, जिस प्रकार से केशिकाओं है कैपिलरीज है जो धमनी का है, उसी प्रकार से ये जो सिरिकाएं हैं यह आपके वेन का है, सिरा का है कनेक्टिविटी। ये सिरिकाएं आपस में मिलकर ही वेन बनाती है, ठीक है, जो शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाते हैं। बातें को समझिएगा, ठीक है, बातें को समझिएगा कि जो सिरिका जिस प्रकार से आर्टरी ब्लड को वेन में सप्लाई करता है, सॉरी आर्टरी जो है कैपिलरीज में देता है, उसी प्रकार से वेन के लिए सिरिकाएं हैं। ये सिरिकाएं जो है क्या करता है, वेन में ब्लड को भेजता है और ये वेन जो है क्या करता है, ब्लड को हार्ट में पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे आप लोग को लगता होगा कि आपके उंगली वगैरह में कोई नस नहीं है, ठीक है, उंगली वगैरह में नस नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी कैसे ब्लड वहाँ तक पहुँचता है, तो वहाँ तक ब्लड इसी जो है कैपिलरीज के कारण ही पहुँचता है, ठीक है। जहाँ जहाँ अगर आपको लगता होगा कि नस नहीं है वहाँ वहाँ ये कैपिलरीज बिछा होता है, ठीक है, यही कैपिलरीज के कारण ब्लड वहाँ तक पहुँचता है और उस ऑर्गेन को, उस अंग को ब्लड आपूर्ति मिलता है। बातें को समझ गए, तो ये कन्फ्यूजन मत होइए कि उंगली में नस नहीं दिख रहा है तो उंगली में ब्लड कैसे पहुंचता है, तो इसी कैपिलरीज के कारण ही पहुंचता है, क्योंकि कैपिलरीज केस के समान होता है तो वो तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। और बाकी जो हाथ में आपको नली नस वगैरह जो दिखता है वो सब आपके आर्टरी वेन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें समझ गए। ये सिराएँ त्वचा के, देख लीजिए, ये सिराएँ त्वचा के निकट होती है, सिरा की भित्ति पतली तथा आपस में चिपकने वाली होती है, ठीक है, चिपकने वाली होती है। सिराओं में वाल्व होते हैं जो अशुद्ध रक्त को केवल हृदय की तरफ ही प्रवाहित करते हैं, वापस आने नहीं देते हैं। अब जो वेन होता है, वेन में कपाट होता है, वेन में जो है आपके वाल्व लगे होते हैं, ये वाल्व क्या करता है,
जैसे एक नली है, ठीक है, यहाँ पे एक दरवाज़ा बना दिया गया, यहाँ पे एक दरवाज़ा बना दिया गया। दरवाज़ा ये है कि भाई इधर से कोई चीज़ जा रहा है और इधर पास अगर कर जाएगा तो यह पूर्णतः बंद हो जाएगा, फिर इधर से चीज़ों को वापस नहीं आने देगा। इसीलिए अगर अशुद्ध ब्लड हृदय तक ले जाना है तो हृदय तक ले जाने से पहले वह ब्लड पुनः वापस ना आ जाए, इसके लिए इसमें वाल्व लगा होता है, ठीक है, और यह वाल्व आगे ब्लड को जाने के बाद रोकता है, जो हार्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। बातें को समझ गए? चलिए, तो ये हो गया आपका वेन, और वेन में अशुद्ध रक्त बहता है, बातें को समझ लीजिए, या बॉडी के अन्य पार्टों से अशुद्ध ब्लड लेकर हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, कौन? वेन। ओके, चलिए, ये हो गया अपन यहाँ पे। अब आता है कोशिका। कोशिका मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेल कोशिका, कि मानव शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र रूप से जीवन के क्रियाओं को करने की क्षमता रखती है, कोशिका कहलाती है, ठीक है। देखिए, सेल जो होता है मानव शरीर का सबसे छोटी और सबसे जो है सबसे छोटी सबसे सूक्ष्मतम कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। मतलब यह बॉडी के फंक्शन काम में भी भूमिका निभाता है, साथ में यह रचनात्मक क्रिया यानी यह एनाटोमिकल पार्ट के निर्माण में वृद्धि में भी भूमिका निभाता है, कौन? सेल, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है वह सेल से ही हुआ है, कोशिका से ही हुआ है, यही कोशिका विभाजन होता है, विभाजन होकर अंगों में वृद्धि करता है, ठीक है, जो ऊतक के रूप में हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है, समझ गए। कोशिका चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली से ढकी रहती है। कोशिका शरीर की बनावट का मुख्य आधार है। मैंने पहले ही बताया कि यह बॉडी के निर्माण में बहुत भूमिका निभाता है, कोशिका जो है बनावटी काम करने में बहुत मुख्य आधार ये इसका होता है, सेल का, ठीक है। तो ये अपन सेल हो गया। सेल बॉडी शरीर का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से बॉडी के काम करने में भूमिका निभाता है, ठीक है। यह छोटी और यह सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो बॉडी के फंक्शन अनेकों फंक्शन में भी और बनावटी कामों में भी भूमिका निभाता है, कौन? सेल। ओके, चलिए, ये चीज़ हो गया। अब आगे आता है सूचर्स। सूचर्स कहने का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट। सूचर्स जो होता है एक प्रकार से ज्वाइंट होता है, ठीक है। कपाल में यह पाया जाता है, मतलब स्कल जो खोपड़ी होता है उसमें यह पाया जाता है। ओके, कपाल की अस्थियों में पाए जाने वाली अचल संधियों को सूचर कहते हैं। अचल संधि मतलब उसी ज्वाइंट है, मतलब मस्तिष्क में जो ज्वाइंट होता है वह ज्वाइंट जो है आपको सूचर्स कहलाते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं, आपको ये लगता होगा कि मस्तिष्क में ब्रेन में कोई ज्वाइंट नहीं है, सर में कोई ज्वाइंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज्वाइंट है। यही ज्वाइंट सूचर्स होता है जो मस्तिष्क के हड्डियों में पाए जाने वाला, ठीक है, कपाल की अस्थियों में पाए जाने वाला एक संधि ज्वाइंट होता है जिसे हम लोग सूचर कहते हैं, ठीक है। ये सूचर्स चार प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपके जो है सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, थर्ड ईयर में बहुत ये भूमिका निभाने वाला है चाइल्ड हेल्थ में, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड हेल्थ में यह पढ़ना है सूचर्स के बारे में डिटेल से। ओके, सूचर्स में सेजाइटल सूचर होता है, क्रोनल सूचर है, फ्रंटल सूचर है, ठीक है, ये चार सूचर याद रखिए, सेजाइटल सूचर, क्रोनल सूचर, फ्रंटल सूचर, ओके, एंड लास्ट वाला आता है आपका यहाँ पे लम्बोइड सूचर। कौन सा? लम्बोइड सूचर। तो ये सूचर को याद रखिए, जो मस्तिष्क कपाल के हड्डियों का ज्वाइंट को हम लोग सूचर्स कहते हैं, ठीक है। अब आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब हम लोग कहीं कहीं देखते होइएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इम्यूनिटी को हम लोग रोग प्रतिरोधकता क्षमता भी कहते हैं, या फिर इसे जो है हम लोग इम्यूनिटी भी कहते हैं या प्रतिरक्षा भी कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए, शरीर में लोग कहता है इसका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ा गया है, इसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब जैसे ही आपका बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ाएगा तो आपका बॉडी कमज़ोर होने लगेगा, ठीक है, आपका बॉडी बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा और आप तरह तरह के बीमारी से जो है ग्रसित होंगे। तो अगर आपको मजबूती लाना है, आपके शरीर में रोग से बचना है, तो आपको इम्यूनिटी
इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप अनेक संक्रमण से, अनेक बीमारियों से जल्दी रिकवर होंगे और जल्द आपको कोई बीमारी जल्दी हो भी नहीं सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम सही है तो, ठीक है। देख लीजिए, शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले कारक में कुछ भी हो सकता है, कोई सूक्ष्म जीव हो, कोई संक्रमण हो जो रोग उत्पन्न कर सकता हो, तो वही कहता है कि शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले कारकों अर्थात एंटीजेंस को पहचानने तथा नष्ट करने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहलाती है। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, यह हमारे बॉडी में कोई भी, जैसे हमारे बॉडी में कोई संक्रमण प्रवेश करता है तो देखिएगा, बहुत लोगों को संक्रमण प्रवेश करता है लेकिन वह जो है उसको कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ ठीक हो गया या किसी को पता भी नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं अगर उसे यह प्रभाव नहीं दिया है सूक्ष्म जीव या रोग उत्पन्न करने वाले कोई ऐसे कारण है जो उसको बॉडी को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है, तो इसके पीछे एकमात्र रीज़न है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होना। अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है तो उसके बॉडी में सूक्ष्म जीव नहीं प्रवेश करेगा, प्रवेश करेगा भी तो वो उतना प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है कि जैसे ही कोई बाहरी पदार्थ बॉडी में प्रवेश करेगा जो रोग उत्पन्न करने वाले हो, तो उसको तुरंत जो है पहचानेगा और उसे उस पर हमला करेगा, उसे नष्ट करेगा, और इसी क्षमता को हम लोग रोग प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं, जो किसी रोग के विरुद्ध में काम करता है, ठीक है, किसी एंटीजेंस के विरुद्ध में काम करता है। अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता है जो व्यक्ति को रोगों से बचाती है। बातें को समझ गए, क्लियर? आप कोई भी इम्यूनिटी के बारे में पूछेगा तो बता दीजिएगा कि बेसिकली इम्यूनिटी हमें रोग से बचाती है, यह बाहरी पदार्थों को, बाहरी जीवों को बॉडी में प्रवेश करने से बचाती है, और अगर कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसे उसी जगह जो है हमारा बॉडी का इम्यूनिटी हमला करके उसको साइड कर देता है। और अगर किसी का इम्यूनिटी नहीं काम किया, किसी का अगर इम्यूनिटी पर हावी अगर बाहरी चीज़ हो गया तो वह संक्रमित हो जाता है। बातें को समझ गए? चलिए, अब आता है माय डियर ज्वाइंट या इसी को आर्टिकुलेशन, ठीक है। ज्वाइंट मतलब होता है संधि, संधि मतलब होता है एक से दूसरे को जुड़ना। जो मानव कंकाल, मतलब मानव जो ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है, मानव कंकाल, ये विभिन्न अस्थियाँ उपास्थियाँ आपस में जब लिंगामेंट द्वारा एक स्थान पर बंधते हैं या संबंध होते हैं तो उस बंधन या स्थान को संधि या जोड़ कहते हैं। वही बातें हैं, जैसे देखिए इधर से एक हड्डी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मानिए ए है, ठीक है, एक इधर से हड्डी है, बातों को समझिएगा, एक ए हड्डी है। अब दोनों हड्डी को आपस में जोड़ना है तो कहीं ना कहीं इधर वाला हड्डी और इधर वाला हड्डी दोनों आपस में एक लिंगामेंट से जुड़ता है, ठीक है, लिंगामेंट से जुड़ता है, बंध करता है, ज्वाइंट मतलब ये बंधने का काम करता है, संबंध होता है, कनेक्ट होता है, इसी को हम लोग बंधन स्थान या संधि या जोड़ कहते हैं। बातें को समझ गए? तो जोड़ या संधि क्या है, ज्वाइंट्स, मानव कंकाल की विभिन्न हड्डियाँ या कार्टिलेज उपस्थियाँ, दोनों देखिए दोनों हड्डियाँ उपास्थि भी एक प्रकार के हड्डी ही होता है, बट इसका गुण अलग होता है। बातें समझ गए? तो ही कहता है हड्डी हो या फिर हो वो कार्टिलेज, जब आपस में लिंगामेंट के द्वारा एक स्थान पर बंधते हैं, एक स्थान पर कनेक्ट होते हैं, तो उस स्थान को हम लोग बंधन स्थान को, उस बंध स्थान को संधि या जोड़ कहते हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी होती है उसी को ज्वाइंट्स कहते हैं। समझ गए? जैसे आपके हर एक पार्ट में है, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ ज्वाइंट है, कहाँ कहाँ जोड़ है, वो सब ज्वाइंट्स ही होता है, ठीक है, जो लिंगामेंट के द्वारा जुड़ने का काम करता है। ओके, अब आता है मेनिंजीस। मेनिंजीस मतलब झिल्ली होता है, ठीक है, मेनिंजीस मतलब देख लीजिए, यह एक प्रकार की सुरक्षात्मक झिल्लियाँ होती है। मेनिंजीस एक प्रकार की झिल्ली है जो क्या करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है ब्रेन को। यह मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को ढकती है। यह क्या करती है, हमारा ब्रेन को, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी एक तौर से कह सकते हैं, उसको यह जो है ढकने का काम करता है। मेनिंजीस मस्तिष्क व यही स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखती है। बातों को समझ गए? और ये मेनिंजीस जो होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह मेनिंजीस आपके ब्रेन में और यही स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है।
ब्रेन के चारों तरफ होता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होता है। इसलिए चारों तरफ होता है क्योंकि यह लचीला होता है, यह ज़्यादा सख्त नहीं होता है, तो यह चोट वगैरह सहन कर सकता है, मेनिंजिस संक्रमण वगैरह को सहन करता है, और यह आपके मस्तिष्क को और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है, और यह कवर करके रखता है दोनों को, बाहरी कवर। यह दोनों का बाहरी कवर मेनिंजिस ही होता है, मस्तिष्क का भी बाहरी कवर मेनिंजिस और स्पाइनल कॉर्ड का भी बाहरी कवर मेनिंजिस। बातें को समझ गए? चलिए अब है यहाँ पे निषेचन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो महिला के डिम यानी महिला के ओवम अंडा का पुरुष के स्पर्म यानी शुक्राणु के साथ होने वाले संयोग को निषेचन या गर्भधारण कहते हैं। फर्टिलाइजेशन या निषेचन, मैं सीधा तौर पे बताऊं कि महिला के अंडा, महिला का जो ओवरी होता है अंडाशय, वहाँ से अंडा निकला, ठीक है, ओवम निकला। अब यह ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब में ही पुरुष का जब इंटरकोर्स होता है महिला के साथ, तो पुरुष का जो है क्या होता है, स्पर्म शुक्राणु जो है आता है वैजिना के थ्रू, जो है सर्विक्स के थ्रू आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म आता है, ए स्पर्म आता है। ए स्पर्म जो है, अगर ए स्पर्म जो है आपके इस अंडा से मिलता है, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म आते हैं लेकिन कुछ ही जो है निषेचन वो कर पाता है। अब अंडा के साथ में ये जो है स्पर्म मिलेगा तो यही जो है निषेचन की काम करता है, यानी महिला का अंडा और पुरुष का स्पर्म दोनों आपस में मिलना ही, संयोग होना ही जो है निषेचन कहलाता है या गर्भधारण कहते हैं। बातों को समझ गए? फर्टिलाइजेशन समझ गए? चलिए 10th में हम लोग क्या पढ़ते थे कि नर और मादा के मिलन को, नर और मादा के युग्मन के संलग्न युग्मनों को हम लोग निषेचन कहते हैं। उसी को नॉर्मल भाषा में समझिए कि महिला का ओवम पुरुष का शुक्राणु जब एक साथ मिलता है तो ही निषेचन या गर्भधारण कहलाता है। बातें को समझ गए? तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है। ये सारा के सारा अगर आपको नोट्स बनाना हो, लिखना हो, तो आप जो है मैं बता देता हूँ, nursingjnan.com पर जाइएगा, और nursingjnan.com पर जाने के बाद वेबसाइट ओपन कीजिएगा। जाने के बाद आपको 3 डॉट बगल में, ऊपर में 3 डॉट दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको GNM फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर दिखेगा, तो आप फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर वाला के देख लीजिए, फर्स्ट ईयर के ऐसा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ईयर का, इसके सामने आगे एक तीर का साइन रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर तीर वाले पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएगा। अब वो सब्जेक्ट के सामने जो है आपको जो है वहाँ पे क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के सामने भी तीर का साइन है, तो उस तीर के साइन पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं एक बार आपको वीडियो दे दूंगा, बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पढ़ना है, आप लोग जाकर एक बार पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।